तो वहीं धमतरी के मगरलोड में एक ग्राम पंचायत है जहां मान्यता है कि राकाडीह के मधुबन धाम में भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में ऐसे कई स्थान हैं जहां भगवान राम के रुकने के प्रसंग कहे और सुने जाते हैं। ऐसे सभी स्थानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के नाम पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत मगरलोड के मधुबन धाम में भी श्री राम दीवार का निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए भवन, अंडरग्राउंड नाली निर्माण, नील नदी में स्टॉप डैम का निर्माण शामिल है। इसकी योजना पर्यटन विभाग में 10 दिन के भीतर तैयार करने का काम भी सौंपा गया है। ये मान्यता है कि करीब 75 जगह का उल्लेख है जो शोध किया गया है और 51 जगहों में उसने जो है परिपथ में जगह है उसको डेवलप करने के बाद तो उसमें प्रथम तौर पर 9 जगह तय किया गया और जहाँ पर जो है पर्यटन परिपथ वहाँ पर जो है डेवलप किया जाएगा और वो साथ है उधर वहाँ और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता तोमन लाल सिन्हा जुड़ गए हैं। तोमन, मधुबन धाम में पर्यटन विभाग ने एक नई शुरुआत, हम इसे कह सकते हैं, जहां पर मधुबन धाम में ये निर्माण किया जा रहा है राम वन गमन का, क्या कुछ अधिक जानकारी है और किस तरह से इसका निर्माण किया जाएगा? मैडम आपको बता दूं कि मधुबन धाम पिछले कम से कम 40-50 साल से विख्यात था मगलोड क्षेत्र में और यहाँ सभी जाति का धर्मों का यहाँ मंदिर बसा हुआ है और भगवान राम जब यहाँ जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ हनुमान मंदिर पे भगवान विश्राम किए थे और माता सीता जी भी यहाँ विराजमान किए थे जी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तोमन, आपको बता दें कि भगवान राम जिस जिस मार्ग से गुजरे थे उस जो जो वहां पर निशानियां हैं उनका संजोने का पर्यटन विभाग काम करेगा और जिसकी तैयारी का खाका लगभग तैयार हो गया है। आपको बता दें कि ये पूरा इसकी जो शुरुआत है वो धमतरी में की जाएगी जहां पर नील नदी से लेकर जो भी राम वनगमन पर्यटन परिपथ का यहाँ पर विकास होगा एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।